गाइज़ अगर आप स्नैपचैट ऐप को अगर गाइज़ यूज़ करते हो और गाइज़ अगर आप जो है इसका पासवर्ड भूल गए हो और गाइज़ आप इसके पासवर्ड को जो है आप रिकवर करना चाहते हो, पता करना चाहते हो, तो गाइज़ ये आप किस तरीके से कर सकते हो आज की इस वीडियो में गाइज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइज़ अपने जो है स्नैपचैट के अंदर का जो पासवर्ड है आपका, उसको आप किस तरीके से पता कर सकते हो गाइज़ अगर आप ये जानना चाहते हो, तो गाइज़ इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हो, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। तो गाइज स्नैपचैट के अंदर का पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा गाइज, सबसे पहले जो है आपको अपने स्नैपचैट को जो है इस तरीके से ओपन कर लेना है। गाइज जब आप अपने स्नैपचैट ऐप को इस तरीके से ओपन कर लोगे तो ऊपर के साइड में जो है आपके प्रोफाइल का पिक आपको दिखेगा गाइज, उसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जो है गाइज इस तरीके से क्लिक कर लेने के बाद अब जो है आपको ऊपर के साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे अब जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आपको जो है ऊपर की साइड में ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड का, तो गाइज आपको जो है सिंपली इसी पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइज आप जो है इस पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करोगे तो गाइज अब जो है आपके सामने जब इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। और गाइज अगर आप जो है अपने स्नैपचैट के अंदर का पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो गाइज आपको करना क्या है, आपको नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड, तो गाइज आपको जो है इसी फॉरगेट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज अब जो है यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा और गाइज यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वीवा फोन का और वीवा ईमेल का। तो गाइज आपको जो है एक ओटीपी आने वाली है, तो गाइज वो ओटीपी जो होगा वो गाइज अगर आप जो है अपने फोन में एसएमएस के जरिए अगर मंगाना चाहते हो तो गाइज आप फोन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। गाइज अगर आप जो है वो ओटीपी अगर ईमेल के जरिए मंगाना चाहते हो तो गाइज वो ईमेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो गाइज मैं जो है उस ओटीपी को अपने एसएमएस के जो है जरिए मंगाना चाहता हूँ, इसलिए गाइज मैं वीवा फोन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूँ। वीवा फोन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज कुछ इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद अब जो है मुझे गाइज नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई का, तो गाइज मैं जो है इस वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही गाइज मैं इस वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर भी दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेंड वीवा एसएमएस और कॉल मी। गाइज अगर जो है आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यानी कि सेंड वीवा एसएमएस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो ओटीपी होगी वो आपको जो है गाइज एक मैसेज के जरिए आएगी, और अगर कॉल मी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है एक कॉल आएगी, उस कॉल को आप जब रिसीव करोगे कोड बोलेगा। गाइज मुझे जो है वो जो ओटीपी है वो एसएमएस के जरिए मंगानी है, मैं जो है गाइज सेंड वीवा एसएमएस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेता हूँ। सेंड वीवा वाले ऑप्शन के ऊपर जो है इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद गाइज, तो गाइज आप देख सकते हो वो जो ओटीपी है अपने आप मेरे मोबाइल के जो है कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर आ गई, और आने के बाद गाइज वो जो ओटीपी है वो अपने आप जो है कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर जो है गाइज वेरीफाई भी हो गई। और गाइज जब वो ओटीपी पूरी तरीके से वेरीफाई हो गई तो उसके बाद गाइज मुझे जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल सकता है न्यू पासवर्ड का, मैं पुराना वाला पासवर्ड तो भूल गया हूँ, अब गाइज मैं जो है एक नया पासवर्ड यहाँ पर जो है सेट करने जा रहा हूँ। तो गाइज हम जो है अपना एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और उसके बाद गाइज नीचे के साइड में जो है दोबारा से हम जो है वापस से जो है कन्फर्म करने के लिए वही पासवर्ड जो है गाइज हम दोबारा यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव का, तो गाइज आपको जो है इस सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइज आप जो है सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, यानी कि गाइज जो मेरा स्नैपचैट के अंदर जो पासवर्ड होगा वो इस तरीके से गाइज मैं जो है चेंज कर लूँगा, और चेंज करने के बाद गाइज वो आप पासवर्ड याद रख लेना, और गाइज कुछ इस तरीके से जो है आप अपने भूले हुए स्नैपचैट के पासवर्ड को इसी तरीके से गाइज आप जो है बदल सकते हो, और बदलने के बाद गाइज कुछ इसी तरीके से आप उसको पता कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।